सर्वेद कथा, जय सर्वेद कथा। श्रवण मात्र से मिट जाती है बहु जन्मों की व्यथा। जय सर्वेद कथा, जय सर्वेद कथा, जय सर्वेद कथा, जय सर्वेद कथा। ये अध्यात्म की महफिल है, ये विहंगम योग की धारा है, ये सदगुरु का प्रवाह है, ये स्वर वेद का सिद्धांत है। आज से हमारी यह यात्रा प्रारंभ हुई है बेगूसराय की इस धरती पर, विहंगम योग के वर्तमान परंपरा सदगुरु आचार्य श्री द्वितीय के पावन जन्मोत्सव के अवसर पर। स्वरवेद कथा का लाभ लेने के लिए, सदगुरु की इन वाणियों का श्रवण करने के लिए और महापुरुषों के जीवन से प्रेरणा प्राप्त कर उसी पथ पर, उसी मार्ग पर आगे बढ़ने का, मैं समझता हूं मेरी दृष्टि में ये सबसे बढ़िया अवसर है, ये सबसे बढ़िया मौका है, ये अमूल्य क्षण है साहब। आप सब बड़भागी हैं, आप सबके प्रारब्ध बड़े अच्छे हैं, बड़े पुण्य कर्म हैं आपके। आप सदगुरु की इस धारा से, स्वरवेद के इन स्वरों से, विहंगम योग की इस चेतना से जुड़कर अपने अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। ये भारत है, हमारी एक संस्कृति है, हमारी एक विरासत है, जीवन मूल्य है, नैतिक आदर्श है, जीवन की वह आध्यात्मिक विधा है जिसे महापुरुषों ने हम सबके कल्याण के लिए, संपूर्ण विश्व की मानवता के कल्याण के लिए प्रकट किया है। महाजनों ये न गतः सपंथा, पंथ वही है, रास्ता वही है, मार्ग वही है, जिस मार्ग पर, जिस रास्ते पर चलकर हमारे ऋषियों ने, महापुरुषों ने, उस परम आनंद का अनुभव किया, शाश्वत आनंद का अनुभव किया, परम शांति का अनुभव किया, जीवन की संपूर्णता को प्राप्त किया, उसी पथ पर, उसी रास्ते पर अपने जीवन को आगे बढ़ाना, अत्यंत आवश्यक है, इसकी महत आवश्यकता है। सदगुरु तो ज्ञान का प्रकाशक होता है, वह तो अंधेरे को मिटाता है, हमारे अंदर स्थित मिथ्या ज्ञान को
नष्ट करता है, दूर करता है। अरे साहब, ये सूर्य तो केवल बाहर का अंधेरा दूर कर सकता है, कर देता है, लेकिन जो अंधेरा मानव के मन में है, जो अंधेरा इसके भीतर है, उसे कौन दूर कर सकता है, उसे कौन दूर करता है। हमारे देश की संस्कृति कहती है, स्वर वेद का दर्शन कहता है, ऋषियों का सिद्धांत कहता है, सद्गुरु दूर करते हैं। अरे साहब, ये देश आध्यात्मिक है, विश्व में हमारी पहचान हमारे अध्यात्म से है। कौन कहता है, कौन कहता है, कौन कहता है ये उद्योगपतियों का देश है? अरे कौन कहता है ये नेताओं का देश है? अरे साहब, ये भारत है, ये संतों का देश है, ये महर्षियों का देश है, ये महापुरुषों का देश है साहब। ये ज्ञान का प्रकाश है। भारत का क्या अर्थ है? भारत किसे कहते हैं? जो सदैव ज्ञान में रत है, जो सदैव विवेक में रत है। हम अंधेरे में नहीं रह सकते, हम असत्य में नहीं रह सकते, हम झूठ में नहीं जी सकते। ये हमारी संस्कृति है, ये भारत की संस्कृति है, जिसके सामने संपूर्ण विश्व नतमस्तक होता है, माथा झुकाता है। साहब, मैं प्रायः कहता रहा हूं, आज इस पावन अवसर पर, पावन जन्मोत्सव के पवित्र अवसर पर, पुनः दोहराता हूं, आध्यात्मिक महापुरुषों के बल पर ही, आध्यात्मिक शक्ति के बल पर ही भारत विश्व का गुरु रहा है। भारत विश्व का गुरु है, और मैं कहता हूं, इसी अध्यात्म की शक्ति से, आध्यात्मिक महापुरुषों की शक्ति से भारत विश्व का गुरु रहेगा। भारत विश्व का गुरु था, भारत विश्व का गुरु है, और भारत विश्व का गुरु रहेगा। ये अध्यात्म की शक्ति है, ये अध्यात्म का बल है, सबसे बड़ी निधि है। मैं प्रायः कहता हूं, अध्यात्म की संपदा सबसे बड़ी संपदा है। अध्यात्म का धन सबसे बड़ा धन है। सबसे बड़ी निधि है हमारे देश की, आध्यात्मिक निधि, और इस निधि को बचा के रखना हम सबका दायित्व है। हम सबका जीवन अध्यात्म के पथ पर आगे बढ़े, यही हमारी संस्कृति है, यही हमारा देश है, ये भारत है। हम अपनी 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 संस्कृति से, अपनी परंपराओं से, अपने अपने जीवन मूल्यों से, अपने आदर्शों से,
अलग अलग होकर नहीं रह सकते। भारत की आत्मा आध्यात्मिक है, भारत की आत्मा का क्या नाम है? अरे साहब, भारत की आत्मा का नाम अध्यात्म है और हम अपनी आत्मा के बिना कैसे रह सकते, हम अपनी आत्मा के बिना कैसे जी सकते। अध्यात्म से हीन कोई जीवन नहीं है, ब्रह्म विद्या से हीन कोई जीवन नहीं है, सदगुरु से विहीन कोई जीवन नहीं है, स्वर वेद से दूर कोई जीवन नहीं है। साहब, ये कहने में कोई संकोच नहीं है। क्या जीवन साहब? अरे जिसके जीवन में ब्रह्म विद्या का प्रवेश नहीं, जिसके जीवन में स्वर वेद का प्रवेश नहीं, का क्या होगा साहब? हम अपने कर्तव्य से हम अपने दायित्व से अलग नहीं हो सकते। हम अमेरिका में नहीं पैदा हुए हैं, इंग्लैंड में हमारा जन्म नहीं हुआ है, हम भारत की संतान हैं। अध्यात्म से हीन कोई जीवन नहीं है। महापुरुष यही मार्ग दिखलाते हैं, यही रास्ता बतलाते हैं, जीवन को कैसे आगे बढ़ाओगे, क्या मार्ग है, क्या रास्ता है। जीवन जीने की कला क्या है, किस प्रकार दुनिया में रहना, किस तरह संसार में रहना, किस तरह ये जीवन दर्शन, संपूर्ण जीवन दर्शन, जीवन का संपूर्ण भेद, जीवन के संपूर्ण रहस्य, सदगुरु की वाणियों से प्रकट हो जाते हैं साहब, स्वरवेद की वाणियों से प्रकट हो जाते हैं, सारा भेद खुल जाता है, सारा रहस्य हम सबके सामने आ जाता है। तो महापुरुषों के जीवन से प्रेरणा लेना, उनके संकल्प से, उनके भाव से, उनके विचार से प्रेरणा लेना और फिर अपने अपने जीवन का आध्यात्मिक पथ प्रशस्त हो। यह अत्यंत आवश्यक है, इसकी नितांत आवश्यकता है। सदगुरु से विहीन कोई जीवन नहीं है, ब्रह्म विद्या से हीन कोई जीवन नहीं है। सदगुरु का संदेश है स्वर वेद, वेद का भेद है स्वर वेद। मानव कल्याण का मंत्र है सदगुरु का स्वर वेद। जितना हम इसमें डुबकी लगा लें, अरे साहब जितना हम इसमें डुबकी लगा लें, जितना ही इसका आनंद रस लाभ ले लें,
उतना ही हम अंतर से स्वच्छ बनेंगे, अंतःकरण पवित्र होगा, शुद्ध होगा। और जो आत्मा की प्यास है, जो आत्मा की भूख है, वो मिटेगी और हम उस जीवन की कृतकृत्यता को प्राप्त करेंगे साहब, जीवन की मंगलता को प्राप्त करेंगे। सत्संग का अभाव ना हो, स्वर वेद का अभाव ना हो, सदगुरु की ये वाणियां गूंजे, जिससे अध्यात्म का वास्तविक स्वरूप जन जन तक पहुंचे। अमिट फल है साहब, स्वर वेद का फल अमिट फल है। कोई तीर्थ करेगा, कोई व्रत करेगा, कोई उपवास करेगा, नाना प्रकार के कर्म कांड करेगा, जप तप तीर्थ पूजा भौतिक कर्मकांड, विभिन्न प्रकार के मंत्रों का उच्चारण, विभिन्न प्रकार के धार्मिक कर्मकांडों क्रियाकलापों में रहेगा, स्नान दान नाना प्रकार के कृत्य करेगा, दीर्घ काल तक करेगा, बहुत लंबे समय तक करेगा। दीर्घ काल तक इन समस्त कर्मों के संपादन के बाद उसे अल्पकाल का फल प्राप्त होगा, लेकिन मैं कहता हूं अल्पकाल के स्वर वेद के संग से, संत सदगुरु के संग से अद्भुत विशेष अमिट फल प्राप्त हो जाता है साहब, जिसकी तुलना किसी अन्य कर्म से नहीं की जा सकती। अरे साहब, ये कोई व्रत नहीं है, ये कोई वाह्य तीर्थ नहीं है, ये कोई वाह्य पूजा नहीं है। अरे साहब, ये भीतर का मामला है, ये अंतर की आवाज है, ये आत्मा की ध्वनि है, ये भारत की आत्मा है, ये अध्यात्म है, ये ब्रह्म विद्या है, ये विहंगम योग है, जिसके आलोक में मानव के जीवन का संपूर्ण विकास हो जाता है, पूर्ण विकास हो जाता है। स्वर वेद का फल अमिट फल है, अल्पकाल का संग अद्भुत चमत्कार करता है। ये स्वर वेद सदगुरु का प्रसाद है, ये सदगुरु का फल है, ये सदगुरु की शक्ति है, ये सदगुरु का प्रवाह है, ये सदगुरु का अनुभव है और इसका अमिट फल है। इसका अभाव होगा, समस्याएं बढ़ेंगी, दुख बढ़ेगा, कष्ट बढ़ेगा, सदैव इसका आश्रय लेना। महापुरुषों का यही संदेश है, सदगुरु का यही संदेश है, हमारी भारतीय संस्कृति का, वैदिक संस्कृति का यही संदेश है। भद्रम कर्णे भी श्रुडयाम देवः भद्रम पश्ये माक्षभिर्यजत्रः। कानों से भद्र सुनो, आंखों से पवित्र देखो, सदैव पवित्रता के पथ पर आगे बढ़ो। अंतःकरण की शुद्धि पर बढ़ो। महापुरुषों का यही संकेत है। जितना स्वर वेद का स्वर श्रवण करने को मिल जाए, अरे साहब उतना कम लगना चाहिए, ऐसा लगना चाहिए अभी और सत्संग से कभी
पूर्णता ना हो जा, सत्संग सत्संग दृढ़ हो, स्थिर हो, अत्यंत आवश्यकता है। पापों का क्षय होता है, विवेक जागृत होता है, अविद्या अंधकार नष्ट होता है, शुभ संस्कारों का उदय होता है, अशुभ संस्कार नष्ट हो जाते हैं। जितना जितना इस गंगा में हम डुबकी लगा लें, स्वर वेद की गंगा में, ये सदगुरु की गंगा है, ये आत्मा को निर्मल बनाती है साहब। यहां केवल शरीर की शुद्धि पर्याप्त नहीं है, केवल शरीर का स्नान पर्याप्त नहीं है, मानसिक शुद्धि, वैचारिक शुद्धि, वैचारिक पवित्रता, विचारों में शुद्धि, विचारों के प्रवाह पर नियंत्रण, मनोनिग्रह, और स्वयं से जुड़ जाए साधक, स्वयं में स्थित हो जाए, अनंत आनंद का अनुभव करे, ये सदगुरु का पथ है, ये स्वरवेद का पथ है, और महापुरुष इसी कार्य के निमित्त संसार में प्रकट होते हैं साहब। महापुरुषों का एक उद्देश्य है, उनके जीवन का एक आध्यात्मिक प्रयोजन है, जगजीवों के कल्याण के लिए, जगजीवों के उद्धार के लिए, आत्मा के कल्याण के लिए, आत्मा के उद्धार के लिए सदगुरु इस संसार में प्रकट होते हैं साहब। उनका यही प्रयोजन है, उनका यही उद्देश्य है। ब्रह्म विद्या की किरणें जन जन तक पहुंचे, ब्रह्म विद्या की धारा पहुंचे, सदगुरु इसीलिए संसार में प्रकट होते हैं। महापुरुषों के आविर्भाव पर उत्सव आदि का आयोजन करना, ये हमारे देश की परंपरा है, ये हमारी संस्कृति है, ये जीवन को आगे बढ़ाने का रास्ता है, ये जीवन को आगे ले जाने का मार्ग है। कितना ये पुण्य अवसर यहां बेगूसराय की इस पावन धरती पर उपस्थित हुआ है, जब हम दो दिनों तक इस सदगुरु के प्रवाह में, स्वर वेद के प्रवाह में, विहंगम योग के सिद्धांत और साधना के प्रवाह में अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे। आज प्रथम दिवस है, और प्रथम दिवस की इस यात्रा में मैं आपको अब ले चलता हूँ स्वर वेद में। स्वर वेद सदगुरु का आध्यात्मिक महाप्रयोग है, ये सदगुरु की शक्ति है, ये सदगुरु का प्रकाश है, ये अध्यात्म का अनुभव है, ये अध्यात्म की गहराई है, ये साधना की गहराई है, ये जीवन को कृत्य कृत्य करने का साधन है। चलते हैं अब हम स्वर वेद में। प्रत्येक घर में स्वर वेद का पाठ होना चाहिए, विहंगम योग की साधना का अभ्यास होना चाहिए। आज पूरे भारत में लाखों भाई बहन स्वर वेद का पाठ कर रहे हैं, विहंगम योग की साधना का अभ्यास कर रहे हैं, परस्पर प्रेम एवं सद्भावना का मार्ग प्रशस्त हो रहा है, आध्यात्मिक जागरण का सूत्रपात, आध्यात्मिक जागरण का शंखनाद स्वर वेद के द्वारा हो चुका है। आवश्यक है
आवश्यक है इस गंगा में, इस सेवा सत्संग और साधना की त्रिवेणी में स्नान कर, पवित्रता की प्राप्ति कर, परम आनंद का अनुभव, असीम आनंद एवं असीम शांति का अनुभव करना। जिस प्रकार वृक्ष के मूल में जल सिंचन करने से सारा वृक्ष हरा भरा पल्लवित पुष्पित हो जाता है, वृक्ष के मूल में आप जल सिंचन करेंगे, सारा वृक्ष हरा भरा पल्लवित पुष्पित हो जाएगा। उसी प्रकार एकमात्र स्वर वेद के पाठ से, स्वर वेद के स्वाध्याय से, विहंगम योग की साधना के अभ्यास से एक व्यक्ति का, एक मानव के जीवन का संपूर्ण आध्यात्मिक विकास हो जाता है साहब। हम अंधेरे में नहीं रह सकते, हम मिथ्या ज्ञान में नहीं रह सकते। अरे सदगुरु के स्वर वेद के साथ जीवन को आगे बढ़ाना अत्यंत आवश्यक है। ऐसे अनेकों साधक हैं जिनको मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, स्वर वेद का एक दोहा उनके जीवन का मंत्र बन गया है, प्रेरणा मिलती है साहब। ये आप्तवाणी है, साक्षात्कृत धर्मा ऋषि की वाणी है, ये ब्रह्मवाणी है, सदगुरु की कौन सी वाणी, स्वर वेद की कौन सी वाणी, विहंगम योग का सिद्धांत, स्वर वेद का कौन सा स्वर एक व्यक्ति के जीवन की दिशा बदल दे, उसके जीवन का आध्यात्मिक निर्माण कर दे। अरे साहब ये तो बड़ा रहस्य है, इसमें तो बड़ा खेल है, और घटित होता है यहाँ जो ब्रह्मविद्या की धारा है, जो विहंगम योग की धारा है, जहाँ अनेकानेक व्यक्तियों का जीवन स्वर वेद की इस धारा से परिवर्तित हुआ है, आध्यात्मिक हुआ है, उनके जीवन का आध्यात्मिक निर्माण हुआ है। ये स्वर वेद की धारा है, कौन सा स्वर, कौन सा दोहा, सदगुरु की कौन सी वाणी हमारे भीतर चोट करके जीवन के स्वरूप को बदल दे, आध्यात्मिक प्रकाश की उपलब्धि करा दे साहब। ये आत्मा की गाथा है, ये आत्मा की कल्याण की गाथा है, ये जीवन गाथा है। शुभ संस्कार, उदित होते हैं, ये स्वर वेद का स्वर है, ये आप्तवाणी अमोघ वाणी, स्वर वेद के एक एक शब्द में चमत्कार भरा पड़ा है, ये सदगुरु का चमत्कार है। योग बल की शक्ति है, अध्यात्म की शक्ति है, जो हमारी बुद्धि की जड़ता को दूर करती है, चित्त को प्रसन्न करती है, मन को नियंत्रित करने में अत्यंत आवश्यक हो जाता है स्वर वेद। आप साधना का अभ्यास कर रहे हैं, आप सिद्धांत से कैसे दूर हो सकते हैं साहब? आप सदगुरु के सिद्धांत से अलग होकर कहां तक जाएंगे? ब्रह्म विद्या की किरणें स्वर वेद की किरणें जन जन तक पहुंचे अत्यंत आवश्यक, और ब्रह्म विद्या का प्रकाश फैले, इसीलिए ये सदगुरु का स्वर वेद है, ये सिद्धांत और साधना का समन्वय है। चित्त प्रसन्न होता है स्वर वेद के इन स्वरों से, पापों का क्षय होता है, विवेक जागृत होता है, अंधेरा छटता है, मिथ्या ज्ञान दूर होता है। ये श्रेष्ठ संगति है, ये सदगुरु की संगति है, ये सत्संग है, ये विचारों की शुद्धि है, ये भावों की शुद्धि है, ये मन की शुद्धि है, ये मन
को निर्मल बनाने की प्रक्रिया है, ये सिद्धांत का आश्रय है, ये अनुभवों का आश्रय है, ये विवेक का आश्रय है, विद्या और ज्ञान का ये यथार्थ प्रकाश। अरे साहब, ये स्वर वेद की यात्रा है, ये विहंगम योग की यात्रा है। जन जन तक इसका स्वर पहुंचे, ये स्वर वेद की धारा तन मन की कलुषता को दूर करे। स्वर वेद की दिव्य वाणियों का आप सभी श्रवण कर लें, प्रेम पूर्वक तन्मय होकर स्वर वेद की दिव्य वाणियों का आप सभी श्रवण करें, फिर हम आगे की तरफ बढ़े।
वाड़ियां, स्वर वेद की वाड़ियां। जो वाणियां सदगुरु की वाणियां हैं, अनुभव पूर्ण वाणियां हैं, जिसके द्वारा अध्यात्म के समस्त भेद प्रकट हो जाते हैं, जिसके द्वारा अध्यात्म के नाम पर फैला अंधेरा छटता है, मिथ्या ज्ञान दूर होता है, सदगुरु की वाणी यही करती है, स्वरवेद की वाणी यही करती है, अंधेरे को छाटती है। मैं प्रायः कहता हूं, आज यहां आप सबों के मध्य भी कह रहा हूं, स्वरवेद की तलवार से, स्वर वेद की तलवार से अज्ञानता को, मिथ्या ज्ञान को, झूठ को, असत्य को नष्ट करिए। ये सदगुरु का महान प्रसाद है, ये स्वर वेद है, ये ज्ञान की वास्तविक भूमि है, और ज्ञान के इस चेतन प्रवाह के द्वारा अधेरे को छाटिए, मिथ्या ज्ञान को नष्ट करिए, अविवेक को नष्ट करिए, और वस्तु के वास्तविक प्रत्यक्ष की तरफ बढ़िए, सत्य के नजदीक पहुंचिए। जितना आप सत्य के करीब रहेंगे उतना मंगल होगा, कल्याण होगा साहब। असतो मा सतगमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय। हमारे देश की संस्कृति, ये भारत की संस्कृति, असत्य से सत्य की तरफ बढ़ो, अंधकार से प्रकाश की तरफ बढ़ो, मृत्यु से अमरत्व की तरफ बढ़ो साहब। ज्ञान का ये वास्तविक प्रकाश है, ज्ञान की उच्च भूमि है, ये बौद्धिक व्यायाम की वस्तु नहीं है, अनुभव का मामला है साहब। ज्ञान आत्मा में प्रकट होता है, अक्षर चट्टू बनने से काम नहीं चलेगा। अध्यात्म की एक अलग मस्ती है, अध्यात्म का एक अलग प्रवाह है साहब। ये संतों का प्रवाह है, जहां बौद्धिक बल को, जहां बुद्धि के बल को सर्वोच्चता नहीं प्रदान की गई। हां, प्रारंभ में हो सकता है, विवेक का आश्रय आवश्यक है, लेकिन ज्ञान का यथार्थ स्वरूप तो आत्मा में प्रकट होता है साहब। अनुभव का विषय है, समाधि का विषय है। जब एक साधक अंतःकरण को पवित्र कर लेता है तो ज्ञान के दो धरातल हैं। हाँ, एक ज्ञान का आधार बौद्धिक है, एक ज्ञान का आधार भौतिक है, एक ज्ञान का आधार बुद्धि है, और ज्ञान का दूसरा आधार अनुभव का ज्ञान है, आध्यात्मिक अनुभव का ज्ञान। जो वस्तु जैसी उसको वैसा प्रत्यक्ष कर लेता है एक साधक, एक विहंगम योगी। स्वरवेद इसी में सहायता करता है, क्योंकि यह आध्यात्मिक ज्ञान का महाग्रंथ है। ये बौद्धिक व्यायाम से इसकी रचना नहीं हुई है, इधर उधर जोड़ तोड़ मरोड़ कर इसकी रचना नहीं है साहब। ये अध्यात्म के वास्तविक प्रवाह को, साधना के अनुभव को, समाधि के अनुभवों को अभिव्यक्ति है साहब। इसीलिए इस सत्य पथ पर जीवन को आगे बढ़ाना अत्यंत आवश्यक है। अंधेरे में कितने दूर जाएंगे, बिना प्रकाश के जीवन कैसे आगे बढ़ेगा। वह मार्ग, वह रास्ता सद्गुरु ने दिखाया है, सद्गुरु ने
समस्त ज्ञान को, ज्ञान की उस चेतन भूमि को आत्मा में प्रकट किया, समाधि की भूमि में, आत्मिक भूमि पर स्थिर होकर अनंत आनंद एवं अनंत शांति का अनुभव किया। और इस भेद को, इस रहस्य को प्रकट किया है। देखिए, ये विहंगम योग ज्ञान की उच्च भूमि है, ये ज्ञान की चेतन भूमि है, ये भक्ति की पराकाष्ठा है साहब, ये भक्ति का वास्तविक स्वरूप है, ये ब्रह्म विद्या, ये विहंगम योग उपासना की वास्तविक विधि है, क्योंकि इसका आधार आध्यात्मिक है, इसकी भूमि आध्यात्मिक है। ये साधना की गहराई है, ये अध्यात्म की ऊंचाई है, ये योग की पूर्णता है, ये भक्ति का चेतन स्वरूप है, ये उपासना की विधि है, ये अंतःकरण की शुद्धि का मार्ग है, ये धर्म से लेकर मोक्ष तक की यात्रा है, ये जीवन दर्शन है, ये जीवन का आध्यात्मिक दर्शन है साहब, ये स्वर वेद है, ये विहंगम योग है, जो समस्त अंधेरे को नष्ट कर देता है। यह योग का भेद है, मैं प्रायः कहता हूं, आज यहां भी कह रहा हूं, योग की संपूर्णता विहंगम योग, भारत की प्राचीनतम विद्या विहंगम योग, ऋषियों का अनुभव विहंगम योग, संतों की सहज मस्ती, संतों का सहज स्वाभाविक प्रकाश, अरे साहब यही तो सद्गुरु का विहंगम योग है। भक्ति की आध्यात्मिक भूमि, भक्ति का विशिष्ट स्वरूप, हाँ, इसी का नाम विहंगम योग है, ज्ञान की ऊंचाई है साहब, ये ज्ञान का चेतन प्रकाश विहंगम योग है। ये प्रेम का प्रकाश है, ये प्रेम की वास्तविक विधि है, ये प्रेम का प्रकाश है, अंतरात्मा में प्रेम रस की धारा प्रवाहित हो जाए, जिसके द्वारा, उसी का नाम ब्रह्म विद्या है, उसी का नाम विहंगम योग है, जो मानव को मानवीय गुणों से मंडित कर उसके जीवन का आध्यात्मिक विकास कर दे, उसके जीवन का आध्यात्मिक उत्थान कर दे। ये जीवन जीने की कला है, मैं प्रायः कहता हूं, आज यहां भी कह रहा हूं, ये ब्रह्म विद्या न केवल जीवन जीने की कला है, बल्कि यह मृत्यु का विज्ञान है, ये शरीर छोड़ने की कला है, ये मृत्यु का रहस्य है, ये मृत्यु का भेद है साहब। ये जीवन दर्शन है, ये मृत्यु का विज्ञान है, शरीर छोड़ने की कला है, ये योग की पूर्णता है, ये भक्ति का यथार्थ है, ये प्रेम का प्रकाश है, ये प्रेम की आंतरिक भूमि है, अंतरात्मा में प्रेम रस की धारा है, अंतःकरण की शुद्धि है, मन बुद्धि चित्त अहंकार की शुद्धि है, ये आत्मा की ध्वनि है, ये आत्मा की तड़प है, ये आंतरिक ध्वनि है, ये
ये स्वयं का प्रकाश है, ये स्वयं में स्थित होने का सहज मार्ग है। स्वयं में स्थित होकर उस परम आनंद का अनुभव है, परमानंद की प्राप्ति है। ये मन का नियंत्रण है, ये मन का निग्रह है, ये मन का संयम है, ये मन की पवित्रता है। ये स्व की भूमि है, ये आत्मा की भूमि है। स्वयं स्थित होकर अनंत आनंद एवं अनंत शांति का यह अनुभव है। भारत की प्राचीनतम विद्या है, ये मानव कल्याण की गाथा है। विहंगम योग क्या है? मानव कल्याण की गाथा, आत्मा के उद्धार की गाथा है। और जो वस्तु जैसी उसको वैसा हमारे समक्ष प्रकट कर दे, यही तो कार्य है सद्गुरु का, यही तो कार्य है स्वरवेद का। वस्तु कुछ है, आप उससे भिन्न कुछ अन्य समझ रहे हैं। जो वस्तु जैसी उसको वैसा जानना, यही ज्ञान और विद्या का यथार्थ स्वरूप है। अब कोई व्यक्ति संसार के समस्त सुखों को ही सब कुछ समझ ले, शरीर और इंद्रियों के सुखों को सब कुछ समझ ले, भौतिक ऐश्वर्य और ये सांसारिक भौतिक धन को ही समझ ले सब कुछ, कैसे गाड़ी चलेगी, कैसे होगा साहब? ज्ञान तो है उसके पास। मैं प्रायः कहता हूं, ज्ञान का अभाव अविद्या नहीं है। ये साहब सब ज्ञान रखे हैं, लेकिन इनका ज्ञान कैसा? अरे साहब, इनका ज्ञान कैसा? इनका ज्ञान मिथ्या, इनका ज्ञान झूठा, इनका ज्ञान असत्य, इनका ज्ञान विपरे, इनका ज्ञान विपरीत। ज्ञान का अभाव अविद्या नहीं है, ये सब ज्ञान रखे हैं, लेकिन कैसा कैसा ज्ञान? अरे साहब, ये मिथ्या ज्ञान, ब्रह्मयुक्त ज्ञान संशय से युक्त है। ये समझ रहे हैं? ये संसार के भोग सब कुछ, ये बैंक बैलेंस, ये जमीन जायदाद, ये मकान, ये घर, इसी में सारा जीवन एक व्यक्ति का, अनेकानेक व्यक्तियों का व्यतीत हो जाता है साहब। ठीक है, आप धर्म पूर्वक अर्थ की प्राप्ति करिए, धर्म पूर्वक आप काम का सेवन करिए, लेकिन आप अपने जीवन के लक्ष्य से दूर नहीं हो सकते। किस लिए आपको शरीर मिला है, किस लिए ये जीवन मिला है? हम सब इस ज्ञान के यथार्थ स्वरूप से अलग होकर नहीं रह सकते साहब, हम अंधेरे में नहीं जी सकते। मुख्य पुरुषार्थ की तरफ बढ़ना, हमें अपने जीवन के लक्ष्य को नहीं भूलना है। हम आत्मा को नहीं भुला सकते, केवल शरीर, केवल शरीर, केवल शरीर, ये संसार, ये भोग, ये पदार्थ, इधर उधर यहां वहां। अरे साहब, आत्मा को भुला दिया है आज, आत्मा को भुला दिया गया है। आत्मा से क्या मतलब है? केवल शरीर, केवल संसार, ये भोग, ये पदार्थ, ये सुख, ये दुख, ये क्रम चल रहा है। दुनिया में रहना किस तरह, दुनिया में रहना किस तरह, यही तो स्वरवेद बतलाता, यही तो सदगुरु बतलाते साहब। जीवन, जीवन में कैसे रहना, जीवन जीने की कला क्या है,
संसार में रहना कैसे, कैसे जीवन यापन करना, यही तो वेद का भेद है, यही तो स्वर वेद है, यही तो जीवन दर्शन है, यही तो हमारी भारतीय संस्कृति का प्राण है, यही तो सहज मस्ती है साहब, यही तो भारत का अध्यात्म है, यही तो आध्यात्मिक बल है जो हमें इस ज्ञान के यथार्थ स्वरूप से परिचय करा देता है। जो वस्तु जैसी उसको वैसा जानना अत्यंत आवश्यक। संसार से सुख प्राप्त होता है, हाँ प्राप्त होता है, अल्पकाल का, सीमित, विनाशी, मिटने वाला। ऋषियों ने कहा, अरे साहब एक संसार के सुख में एक नहीं चार चार दुख मिले हुए हैं। एक संसार का सुख अपने भीतर चार चार प्रकार के दुखों को समेटे हुए है। परिणाम दुख है, ताप दुख है, संस्कारों का दुख है, गुणवृत्ति विरोध का दुख है। संसार संसरती है, ये चलता रहता है साहब, ये सुख दुख का क्रम चल रहा है। एक साधक, एक विहंगम योगी जानता है हाँ कि हम स्वयं से अलग नहीं हो सकते, संसार में रहना है, कर्तव्यों का पालन करना है, अपने दायित्व का निर्वहन करना है, लेकिन हम स्वयं से अलग नहीं हो सकते, आत्मा से दूर नहीं हो सकते। स्वरवेद यही करता है, सदगुरु का यही संदेश है जो हमें स्वयं से जोड़ देता है, जो हमें उस परमात्म तत्व से जोड़ देता है साहब, जो स्वयं से जोड़ दे और उस परम आनंद से जोड़ दे, उस परम सत्ता से जोड़ दे। यही कार्य है सदगुरु का, यही कार्य है स्वर वेद का, इस ब्रह्मविद्या का, इस विहंगम योग का। परमात्मा से जोड़ता है विहंगम योग, उस अनंत शक्ति के साथ हमारा तादात्म्य करता है। परमात्मा की उपासना की विधि है ये ब्रह्म विद्या। क्या है, अरे साहब ये आत्मा के कल्याण की गाथा है, ये आत्मा के उद्धार की गाथा है, ये उस विभू आत्मा परमात्मा के साथ जुड़ने की विद्या है। दुखों के बीच सुखपूर्वक जीवन जीने की कला है ये विहंगम योग, ये स्वर वेद। जल में कमल का पत्ता है, भिन्न रहता है जल से, जल में रहते हुए। एक मछली है, दलदल में रहती है, फंसती नहीं है। सदैव अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ें, ये अत्यंत आवश्यक। ये भारत की संस्कृति है, ये भारत की विरासत है। मैं और मेरा से ऊपर उठ जाता है साधक, संपूर्ण सृष्टि ईश्वर से ओतप्रोत व्यापक है। ईशावास्यमिदं सर्वं यतकिंच जगत त्याम जगत, ईश्वर संपूर्ण सृष्टि में, इस चराचर जगत में व्याप्त है, सब कुछ उसी का है, निमित्त कारण है ईश्वर। जो भी प्राप्त हो रहा है प्रारब्ध से, पुरुषार्थ से, परिस्थितियों से, संयोग से, विवेक से, उसका त्याग पूर्वक भोग।
यहाँ त्याग में आनंद का अनुभव है, यहाँ सेवा में आनंद का अनुभव है, यहाँ सत्संग में आनंद का अनुभव है, यहाँ साधना में आनंद का अनुभव है। ये भारत की संस्कृति है, ये भारत की विरासत है, ये स्वर वेद का दर्शन है, ये विहंगम योग का दर्शन है साहब। यहाँ भोग में सुख नहीं है, ये भोग में क्या आनंद साहब। मनुष्य से इतर अन्य योनियों वाले भी शरीर और इंद्रियों के अल्प सुखों को प्राप्त करते हैं। अरे साहब, ये जीवन बड़ा उत्कृष्ट है। जीवनम परमो उत्कृष्ट प्रसादो जगति पते तस्य तत्वम रहस्यम च ये विदुस्ते मनीषिण। जीवन परम उत्कृष्ट है, ईश्वर का महान प्रसाद है। शरीर को पुष्ट करना, इंद्रियों को तृप्त करना जीवन का उद्देश्य नहीं है। मानव जीवन का ये उद्देश्य नहीं हो सकता। शरीर को पुष्ट करना, शरीर को चमका के रखना, शरीर को खूब ठीक रखना और इंद्रियों को तृप्त करते रहना, इसलिए ये जीवन नहीं मिला है, इसलिए ये शरीर नहीं मिला है साहब। सीधी सी बात है, केवल शरीर का ध्यान, ये गाड़ी नहीं चलेगी। हम भारत में हैं, हमारी संस्कृति है, अध्यात्म हमारी आत्मा है। अध्यात्म से अलग कोई जीवन नहीं है, कोई जीवन नहीं हो सकता। भारत में रहकर हम भारत को गायब नहीं कर सकते। हम ऋषि पुत्र हैं, हमारे गोत्र ऋषियों के नाम पर हैं। अरे हम ऋषियों के ज्ञान से, हम ऋषियों के विज्ञान से कैसे अलग हो सकते। हम सबके अंदर ऋषियों का खून है साहब। हम ऋषि पुत्र हैं, हम आर्य पुत्र हैं, हम भारत के पुत्र हैं। हम ऋषियों के ज्ञान से, ऋषियों के विज्ञान से, अपने देश की संस्कृति से। अलग होकर कैसे चले जिएंगे। भारत में भारत को कोई गायब नहीं कर सकता। तो भारत में भारत की संस्कृति का ह्रास दिखता है, तब हमें यह अपने कर्तव्य में, पुरुषार्थ में, हमें अपने परिश्रम में दृढ़ करता है। तो यहाँ आनंद किसमें है? अरे साहब, सेवा, सेवा में जो आनंद मिलेगा। अरे साहब, भोग में कहाँ मिलेगा? सीधी सी बात है, यहाँ सेवा आत्मा के कल्याण का साधन, यहाँ सत्संग विवेक को जागृत करने का साधन, यहाँ साधना जीवन के आध्यात्मिक निर्माण का मंत्र है, मार्ग है साहब। ये सेवा, सत्संग और साधना की त्रिवेणी है। सेवा, सत्संग और साधना के बिना क्या जीना। वृक्ष कबहू नहीं फल भखे, वृक्ष कबहू नहीं फल भखे, नदी न संचय नीर परमारथ के कारणे, साधुन धरा शरीर। स्वयं के लिए जीना क्या जीवन साहब, कैसा जीवन। ऐ सबका हित, सबका कल्याण, अध्यात्म का प्रचार, अध्यात्म के द्वारा सुख शांति की कामना, परस्पर प्रेम और सद्भावना, अपने कर्तव्य और अपने दायित्व का पालन करना, यही तो सेवा है जो हम निस्वार्थ भाव से करते हैं, करना चाहिए। यही क्या है? यही आत्मा के उद्धार और कल्याण का साधन है साहब। सुख शांति, सुख शांति सबको मिले, यह उपदेश हमार, सारा विश्व हमारा है, हम हैं सब संसार, हम हैं सब संसार। सबको अपना बनाती है हमारी संस्कृति,
सबके हित का चिंतन, सबके कल्याण का चिंतन, प्रेम और सद्भावना में जीना, घृणा ईर्ष्या द्वेष को हटाकर मानव के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास हो। इसीलिए तो सदगुरु का स्वर वेद है। इसीलिए तो विहंगम योग है कि मानव के जीवन का संपूर्ण विकास हो, उसके व्यक्तित्व का पूर्ण निर्माण हो। सदाचार व्यभिचार से मूर्ख से विद्वान, भोगी से योगी बने, फल सत्संग महान, फल सत्संग महान। ये स्वर वेद का फल है साहब। हम बिना सेवा के कैसे जिएंगे? आप देखिए, पृथ्वी अपनी कक्षा में घूम रही है, ये पेड़ पौधे, ये पहाड़, ये नदियां, ये जंगल, ये पर्वत, ये ईश्वर की अनंत शक्तियां हैं, ये जड़ शक्तियां हैं, और सदैव सेवा में संपूर्ण वातावरण में ऑक्सीजन घुला हुआ। कोई वैज्ञानिक बोल सकता है ये कुछ सिलेंडर में भर दिया सन, किसने घोला है? संपूर्ण वातावरण में ऑक्सीजन घुला हुआ है, बड़े ही सहज रूप में प्राप्त है। वैज्ञानिक तो ईश्वर की शक्तियों को समझने में लगे हैं, ये प्रकृति की शक्तियों को समझने में लगे हैं। बड़े ही सहज रूप में हमें प्राप्त है, समस्त वातावरण में ऑक्सीजन, पेड़ पौधे, ये पहाड़ नदियां, ये जंगल पर्वत, सब सेवा में। हम सबका जीवन इस सृष्टि में सतत गतिमान रहे, इसलिए इतना सारा ये सब कुछ ईश्वरीय व्यवस्था के आधार पर चल रहा है। निमित्त कारण ईश्वर है साहब। सूर्य की किरणों पर तो अभी शोध शुरू हुआ है, प्रारंभ हुआ है। ईश्वर की अनंत शक्तियां, सदैव सेवा। मानव प्रेरणा प्राप्त करता, हम चेतन प्राणी प्रेरणा प्राप्त करते हैं साहब। किसकी प्रेरणा? सेवा की प्रेरणा। निस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्य का पालन करना, सेवा हमें समाज से जोड़ती, सेवा हमें अपने कर्तव्य और दायित्व के बोध से जागृत बनाती, सेवा हमें सहज बनाती, सेवा हमें सरल बनाती, सेवा हमें स्वाभिमान में स्थित करती, सेवा हमारे अभिमान को नष्ट करती साहब। ये भिक्षाम देही की परंपरा है। साधना का स्थान तृतीय है, बिना भिक्षा लिए तो ये गाड़ी नहीं चलेगी। अभिमान को नष्ट करना है, मिथ्या ज्ञान को नष्ट करना है, ये सबसे आवश्यक तत्व है। अभिमान नष्ट हो, धन मत, बल मत, जाति मद, विद्या मद सब त्याग। सारा मत नष्ट हो, ईर्ष्या नष्ट हो, घृणा नष्ट हो, द्वेष नष्ट हो, मानो प्रेम में प्रतिष्ठित हो जाए, अंतरात्मा में प्रेम रस की धारा प्रवाहित हो जाए। अरे साहब, यही तो आनंद और मंगल का कारण। घृणा हटे, द्वेष हटे, ईर्ष्या हटे, नकारात्मक चिंतन विचार हट जाए, और सहजता में, स्वाभाविकता में, विनम्रता में, सौहार्द में, प्रेम में, करुणा में, मैत्री में, अहिंसा में, सत्य में, दया में, न्याय में, क्षमा में एक एक साधक प्रतिष्ठित हो जाए,
हम इन तत्वों से अलग होकर नहीं जी सकते, नहीं रह सकते साहब। स्वरवेद क्या करता है? स्वरवेद मानव को मानवीय गुणों से मंडित बना देता है, मानव को देव बना देता है साहब। ये नर से देव बनाता है, ये स्वरवेद है, ये सदगुरु का स्वरवेद है साहब। सत्संग के बिना नहीं जीना, कैसा जीना? अंधेरे में कहां तक जाएंगे साहब? अंधेरे में तो उल्लुओं को दिखाई देता है, मनुष्यों को नहीं। सदैव ज्ञान के यथार्थ प्रकाश में अपने जीवन को आगे बढ़ाना, यही भारत है, ये हमारे देश की संस्कृति है, ये स्वरवेद का दर्शन है। सेवा, सत्संग और साधना की त्रिवेणी है, सदैव इसमें स्थिर रहना। सत्संग की पूर्णता हो, खूब सत्संग हो, स्वरवेद का संग हो, स्वरवेद के स्वर गुंजायमान हो, सेवा के भाव में हम दृढ़ बने, अपने कर्तव्य और दायित्व के प्रति जागृत रहें, और साधना का अभ्यास, ये त्रिवेणी आत्मा को अनंत आनंद एवं अनंत शांति के द्वार तक पहुंचा देती है साहब। ये मानव कल्याण की गाथा है, ये आत्मा के उद्धार की गाथा है, ये मानव कल्याण की गाथा है, ये अंतःकरण की शुद्धि है, ये प्रकृति से परमात्मा तक की यात्रा है, ये प्रकृति से परे की छलांग है, ये स्वयं की ध्वनि है, ये आत्मा की ध्वनि है, ये आत्मा की तड़प है, ये परमात्मा प्राप्ति की विद्या है, ये ब्रह्म विद्या है, ये विहंगम योग है साहब। जड़ और चेतन का ज्ञान है ये आत्मा के उद्धार की गाथा है, आध्यात्मिक निर्माण की गाथा है, अंतःकरण की शुद्धि है, ये मन की शुद्धि है, ये अंतःकरण की पवित्रता का साधन है, ये भक्ति का यथार्थ स्वरूप है, ये प्रेम का प्रकाश है, ये साधना की गहराई है, ये अध्यात्म की ऊंचाई है, ये जीवन का मंत्र है, ये जीवन जीने की कला है, मृत्यु का विज्ञान है साहब, ये शरीर छोड़ने की कला है, ये संपूर्ण दर्शन, ये भारत का दर्शन है, ये भारत की आत्मा है। अध्यात्म हमारी आत्मा का नाम है, सबसे बड़ी संपत्ति अध्यात्म की संपत्ति, ब्रह्म विद्या की संपत्ति है, जिसे सदगुरु प्रदान करता है। सदगुरु के द्वारा ब्रह्म विद्या की धारा प्रवाहित होती है, सदगुरु का प्रसाद है स्वरवेद, जिसके द्वारा ये अंधेरा छटता है, ये मिथ्या ज्ञान नष्ट होता है। बड़ी गहन वाणियां हैं, बड़ी आध्यात्मिक वाणियां हैं, बड़ी भेदिक वाणियां हैं, बड़ी रहस्यमयी वाणियां हैं, ये जीवन के कल्याण की वाणियां हैं, ये आत्मा के उद्धार की गाथा है, ये अध्यात्म की गाथा है। अलग नहीं होना, अलग होकर नहीं जीना, सदैव इसमें स्थिर रहना, प्रतिदिन इसका आनंद लेना, ये अत्यंत आवश्यक है। सभी सभी श्रद्धा प्रेम से युक्त होकर सदगुरु के स्वरवेद से शक्ति प्राप्त करें, स्वरवेद का स्वर गुंजायमान हो, परिवार का प्रत्येक सदस्य स्वरवेद का पाठ करे, विहंगम योग की साधना का अभ्यास करे, उसके जीवन का संपूर्ण विकास होगा, उसके व्यक्तित्व का पूर्ण निर्माण होगा। ये मानव के आध्यात्मिक निर्माण की गाथा है, ये स्वरवेद की गाथा है, ये कोई कपोल कल्पना नहीं है, ये कोई कपोल कल्पना नहीं है, ये अध्यात्म का अनुभव है, ये सदगुरु का अनुभव है, ये समाधि का अनुभव है साहब, ये अनंत आनंद का अनुभव है। स्वरवेद कहता है, सदगुरु कहते हैं कि संत संत दो प्रकार के हैं, एक विरक्त संत हैं और दूसरे
गृहस्थ संत हैं, जो घर परिवार में रहता है, जो अपने कर्तव्य और दायित्व का पालन करता है, जो धर्म पूर्वक अर्थ की प्राप्ति करता है, जो धर्म पूर्वक काम का सेवन करता है। सदगुरु कहते हैं, स्वर वेद कहता है, अरे साहब वह भी तो संत है, वो गृहस्थ संत है। गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ आश्रम है, हम सब ऋषियों की संतान है। ऋषि गृहस्थ आश्रमित, ये धर्म से लेकर मोक्ष तक की यात्रा है। तो संतों के भेद का वर्णन करता है स्वर वेद, बताता है कि घर परिवार अध्यात्म का अर्थ पलायन नहीं है साहब। अध्यात्म का अर्थ है, आध्यात्मिक होने का अर्थ है घर में रहकर, परिवार में रहकर, अपने कर्तव्य अपने दायित्व का पालन करते हुए शारीरिक मानसिक बौद्धिक आत्मिक और आध्यात्मिक शक्ति का विकास, यही अध्यात्म का अर्थ है, यही अध्यात्म की परिभाषा है। हम अपने कर्तव्य और दायित्व से अलग होकर नहीं रह सकते। अरे साहब हमारे ऊपर ऋण है, हमारे देश की परंपरा है, हमारे देश की संस्कृति है, हम ऋषि पुत्र हैं, ऋषियों का खून हमारे अंदर है, हमारे गोत्र ऋषियों के नाम पर है। त्याग सकल जग यों करे, त्याग सकल जग यों करे, सब प्रभु का मम नाही, मैं भी प्रभु का जनन में, सो प्रभु बस मम माही, सो प्रभु बस मम माही। यहां त्याग पूर्वक उपभोग की कला है, हाँ संसार में रहने की कला है, मैं और मेरा से ऊपर उठकर साहब, तेन त्यक तेन भुंजी था, त्याग पूर्वक उपभोग ये कला सिखाता है विहंगम योग, ये ब्रह्म विद्या की युक्ति है, ये दुनिया में रहने की कला है। गंगा में स्नान करना है, गंगा में डूब कर प्राणों को नहीं गवाया जाता, संसार में रहना है, संसार के भोगों को संसार के पदार्थों को सब कुछ समझ लेना, अरे साहब ये श्रेष्ठ नहीं है, ये सुचित नहीं है, ये हमारे देश की संस्कृति नहीं। गंगा में स्नान करके बाहर निकल आओ, गंगा में डूबकर प्राणों को नहीं गंवाया जाता, संसार में रहना है, संसार में डूबकर इसके भोगों में गहन आसक्त होकर अपने जीवन के मुख्य लक्ष्य से दूर हो जाना, ये श्रेष्ठ नहीं है, ये हमारे भारत की संस्कृति नहीं है, ये हमारे भारत की विरासत नहीं है, ये ऋषियों का संदेश नहीं है, ये सदगुरु का संदेश नहीं है, ये स्वर वेद का संदेश नहीं है। जीवन का संपूर्ण दर्शन स्वर वेद प्रस्तुत करता है। अरे गृहस्थ भी संत है, जो घर परिवार में रहता है, धर्मपूर्वक अर्थ की प्राप्ति करता है, काम का सेवन करता है और त्याग में जीता है, अंतर से त्याग, बाहर से संग्रह है, संग्रह आवश्यक है। वेद की वाणी कहती है, अरे एक दो हाथों से नहीं, हजारों हाथों से कमाओ। अर्थ पुरुषार्थ है, यहां चार प्रकार के पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म के डंडे को याद रखकर अर्थ की प्राप्ति, काम का सेवन, सतहस्त समाहर, सतहस्त समाहर, सहस्र हस्त संकीर, सैकड़ों सैकड़ों हाथों से कमाओ और हजारों हाथों से बांटो, ये भारत की संस्कृति है, वैदिक संस्कृति है। यहां त्याग में सुख है, यहां त्याग में आनंद है, भोग बड़ी वस्तु नहीं है। यहां हम सब त्याग में आनंद का अनुभव करते हैं साहब, भोग में सुख का नहीं है अनुभव, ये भोगवादी संस्कृति नहीं है,
ये त्याग में, सेवा में, समर्पण में, श्रद्धा में, विश्वास में, विनम्रता में, सहजता में, मैत्री में, करुणा में, सद्भाव में, साहचर्य में, सहयोग में प्रतिष्ठित है। ये हमारी संस्कृति है, ये भारत का दर्शन है। हम इस देश की हवाओं में श्वास लेते हैं, भारत में रहते हैं, हम ऋषि पुत्र हैं। ये विश्व वारा संस्कृति, विश्व की आदि संस्कृति, भारत की संस्कृति, जिसके आध्यात्मिक ज्ञान के सामने, जिसके आध्यात्मिक बल के सामने, आध्यात्मिक महापुरुषों के सामने दुनिया नतमस्तक होती है साहब, दुनिया माथा झुकाती है। हम कैसे अलग होकर रह सकते हैं? हम अध्यात्म से हीन कैसे अलग हो, अध्यात्म से हीन कैसे हो सकते हैं? हम भारत में रहकर, भारत की हवाओं में श्वास लेकर, भारत की संस्कृति, इस वैदिक संस्कृति, इस आर्य संस्कृति, ऋषियों की संस्कृति से जुड़कर अपने जीवन को आगे बढ़ाएं, यही सदगुरु का संदेश है, यही स्वरवेद का संदेश है साहब। जो हमें आंतरिक पवित्रता का संदेश, जो हमें समस्त मानवीय गुणों से युक्त होने का संदेश देती है, आप मन से, आप वचन से, और आप कर्म से एक निष्ठ बने, मनस्से कम वचस्से कम कर्मन्नेकम महात्मनाम। गृहस्थ संत के स्वरूप का वर्णन सद्गुरु ने किया है, स्वरवेद ने किया है। मन वचन कर्म से एक निष्ठ बनना, अरे साहब यही तो गृहस्थ संत का लक्षण है। अंतर से त्याग, बाहर से संग्रह कर रहा है, भीतर का त्यागी है। मन वचन और कर्म से एक बनना, मन भी श्रेष्ठ विचारों से, श्रेष्ठ भावों से, श्रेष्ठ संकल्प से पूर्ण बने, वाणी भी उसी के अनुकूल और क्रिया कर्म आचरण व्यवहार भी उसी के अनुकूल। ये देखिए, यह त्रिवेणी कैसी है? अरे साहब यही तो आंतरिक त्रिवेणी है, आपकी वाणी, हाँ, आपके मन के विचार और आपकी क्रिया, तीनों में साम्यता। मनस्से कम वचस्से कम कर्मन्नेकम महात्मनाम। संत जनों के यही लक्षण है, साध जनों के यही लक्षण है, मन वचन कर्म से एक बनना, श्रेष्ठ बनना। ऐसा नहीं मन में कुछ चल रहा है, वाणी कुछ बोल रही है, क्रिया में कुछ तीसरा घटित हो रहा है। अरे साहब सदगुरु का यही संदेश है, स्वरवेद का संदेश, अंतःकरण की शुद्धि का संदेश है। मनसा वाचा और कर्मणा एक साधक सत्य में प्रतिष्ठित हो जाता है, अहिंसा में प्रतिष्ठित हो जाता है, प्रेम में प्रतिष्ठित हो जाता है। अरे साहब ये अंतर की वस्तु है, ये आंतरिक तत्व है, ये सूक्ष्म तत्व है, ये श्रेष्ठ तत्व है, दिव्य मानवीय गुण हैं, जिनके द्वारा एक व्यक्ति का अत्यंत विकास, आत्यंतिक विकास हो जाता है। मन में विचारों का प्रवाह है, हमारे आपके मन में विचारों का एक बहुत बड़ा प्रवाह, बहुत अनेक व्यक्तियों का कोई संयम नहीं, कोई नियंत्रण नहीं। यह प्रवाह नियंत्रित, संयमित हो, आत्मा के अनुकूल हो, हजारों हजार विचार आते हैं जाते हैं,
मनः संकल्प विकल्प आत्मकम्। मन संकल्प करता है, विकल्प हो जाते हैं। ये संकल्प और विकल्प है, ये मन का खेल है साहब। तो एक साधक, एक गृहस्थ संत मन के चाल को समझता है। हाँ, मन की चाल को, मन की कुचाल को, मन के रहस्य को, मन के भेद को समझ लेता है साहब। मन वचन और कर्म से एक निष्ठ बनकर सदैव आत्मा के उद्धार की तरफ, आत्मा के कल्याण की तरफ बढ़ता है। ये बड़ा वक्त आवश्यक, जीवन की पूर्णता है साहब। इससे बिना कोई जीवन नहीं है। मन भी श्रेष्ठ विचारों से पूर्ण बने, मन श्रेष्ठ विचारों और भावों से पूर्ण बने, वाणी भी उसी रूप में हो, सत्य प्रेममय वाणी, अहिंसक वाणी, सद्भावना, प्रेम, सहिष्णुता, मधु वाणी हो। वाणी का एक प्रकाश है, वाणी में बल है, वाणी में शक्ति है, वाणी में ओज है। अरे साहब, जब मन को आप साधेंगे, वाणी का ओज, वाणी की शक्ति, वाणी का प्रकाश भी प्राप्त होगा। ये मन वचन और कर्म का मामला है, ये मन वचन और कर्म से एकता है। बौद्धिक व्यायाम की वस्तु नहीं है ये संतों की सहजता है, ये संतों की स्वाभाविकता है। जो मन वचन कर्म से एक अनिष्ट होते हैं, गृहस्थ संत का यही लक्षण है, साधुजनों का यही लक्षण है। अंतःकरण की शुद्धि और पवित्रता का संदेश। ऐसा नहीं मन में कुछ है, वाणी से कुछ बोल रहे हैं, वाणी तो प्रिय है लेकिन मन में मामला कुछ अन्य चल रहा है, मन में कुछ दूसरा मामला चल रहा है, वाणी प्रिय है तो केवल वाणी के प्रिय होने से क्या होगा साहब। भीतर के अंधेरे को तो हटाओ, भीतर के अहंकार को तो हटाओ, ये मिथ्या ज्ञान हटे, ये असत्य ज्ञान हटे, ये झूठ हटे, ये आंतरिक पवित्रता का साधन, ये अंतःकरण की पवित्रता का साधन है। मन की शुद्धि अनिवार्य है, इसीलिए विहंगम योग की साधना का प्रारंभ मनोनिग्रह से होता है, मन के नियंत्रण संयम से होता है। मन वचन और कर्म से एक निष्ठ बन जाता है एक विहंगम योग का साधक। ये सेवा, सत्संग और साधना की त्रिवेणी है। अरे साहब, सीधी सी बात है, देखिए अध्यात्म के भेद इतने हैं, अध्यात्म के रहस्य बहुत हैं, लेकिन मैं प्रायः कहता रहा हूं, आज यहां पुनः कह रहा हूं, अगर आप सेवा में दृढ़ हैं, आप सत्संग का लाभ लेते हैं, आप साधना का अभ्यास करते हैं, तो समस्त आध्यात्मिक तत्व आपके पास हैं, वह आध्यात्मिक निधि हैं। आप मन वचन कर्म से एक होंगे, सीधी सी बात है। आप सेवा में दृढ़ हैं, आप सत्संग का लाभ लेते हैं, आप साधना का अभ्यास करते हैं, मन वचन कर्म से एक निष्ठ हो जाएंगे आप मन बुद्धि चित्त अहंकार को शुद्ध कर लेंगे, आप मन का निग्रह कर लेंगे, आप मन को भीतर में रोक लेंगे और आप मन को उसकी भूमि में लय कर देंगे। आप सेवा में हैं, आप सत्संग में हैं, आप साधना में हैं, तो आप स्वयं का अनुभव कर लेंगे, आप आत्मा की ध्वनि को सुनने का सामर्थ्य उत्पन्न कर लेंगे साहब। आप धर्म से लेकर मोक्ष तक की यात्रा करेंगे, कौन करता है, कौन करेगा? मानव जीवन के मुख्य लक्ष्य की प्राप्ति कौन करेगा? जो सेवा में है, जो सत्संग में है, जो साधना में है साहब, सीधी सी बात है। अंतःकरण की शुद्धि कौन करेगा? अंतःकरण किसका पवित्र होगा? कौन मन वचन कर्म से एक बनेगा? कौन आत्मा की ध्वनि को सुनेगा? किसकी साधना में आध्यात्मिक प्रगति होगी? कौन ध्यान के अनुभव में वृद्धि प्राप्त करेगा? किसका जीवन कृतकृत्य होगा? कौन मानवीय गुणों से मंडित होगा? किसके जीवन का आध्यात्मिक विकास होगा?
उसी का होगा। सीधी सी बात है, जो सेवा में, जो स्वरवेद में, जो सत्संग में और जो साधना में दृढ़ रहता है, जो इस त्रिवेणी में स्नान कर लेता है, ये अंतर की त्रिवेणी है, ये आंतरिक त्रिवेणी है, ये सेवा सत्संग और साधना की त्रिवेणी है, ये मानव के कल्याण की गाथा है, ये आत्मा के उद्धार की गाथा है। साहब कौन भक्ति करेगा? अरे साहब जो सेवा से दूर है, जिसे सत्संग का बोध नहीं, जो स्वरवेद से दूर है, क्या भक्ति, कैसी भक्ति? अरे साहब विहंगम योग विशुद्ध भक्ति योग है, विहंगम योग विशुद्ध भक्ति योग है। साहब आप सेवा में दृढ़ हैं, आप सत्संग का लाभ ले रहे हैं, आप साधना का अभ्यास कर रहे हैं, इसका अर्थ है आप भक्त हैं, आप भक्ति के अधिकारी हैं। और जो भक्ति का अधिकारी है, जो भक्त है, जो भक्ति करता है, वही मुक्ति का अधिकारी है। भक्ति से मुक्ति होती है और भक्त ही मुक्त होता है। साहब सीधी सी बात है, सबकी चाबी सेवा सत्संग और साधना है। ज्ञान की ऊंचाई है, अध्यात्म की ऊंचाई, अंतःकरण की शुद्धि, मानव के जीवन का संपूर्ण विकास ये योगी बना देता है। सेवा सत्संग और साधना से अरे साहब ये नर नहीं रहेगा, ये देव बन जाएगा साहब, ये देव तुल्य हो जाएगा साहब। भीतर का कलमश हटेगा, भीतर का अंधेरा छटेगा। ये स्वरवेद के ज्ञान की ताकत है, ये स्वरवेद के स्वर की महत्ता है, ये सदगुरु का प्रकाश है, ये आध्यात्मिक बल है साहब। सेवा सत्संग और साधना से दूर न रहिए, समस्त आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त होंगे, ध्यान के अनुभव बढ़ेंगे, धर्म से मोक्ष तक की यात्रा अरे साहब जीवन की कृतकृत्यता, जीवन की संपूर्णता, दिव्य मानव ये जीवन, दिव्य गुणों से पूर्ण जीवन, आध्यात्मिक जीवन, ब्रह्म विद्या से युक्त जीवन, ये सेवा है, ये सहजता है, ये स्वाभाविकता है, ये सौहार्द है, ये प्रेम है, ये करुणा है, ये न्याय है, ये दया है, ये विवेक है, ये धैर्य है, ये क्षमा है, ये शांति है। आंतरिक शांति का अनुभव वही करेगा। अरे साहब बाहर बाहर खोजने से क्या होगा? जो सेवा सत्संग और साधना की त्रिवेणी में स्नान करेगा, वही आंतरिक शांति का अनुभव करेगा, वही परम शांति का अनुभव करता है साहब। शांति के समुद्र को प्राप्त करता है, आनंद के समुद्र को प्राप्त करता है, अनंत ज्ञान के समुद्र का अनुभव करता है। ये प्रेम की पराकाष्ठा है, ये साधना की गहराई है, ये अध्यात्म की ऊंचाई है, ये सदगुरु का स्वर वेद है, ये विहंगम योग है साहब, ये सिद्धांत और साधना का समन्वय है, ये योग की पूर्णता है, ये भक्ति का विशिष्ट स्वरूप है, ये आत्मा की ध्वनि है, ये परमात्मा प्राप्ति की वेद्या। सेवा सत्संग और साधना से हम दूर न रहे साहब, हम इसी में जिए, इसी में अपने जीवन को आगे बढ़ाएं, सत्संग का खूब लाभ लें, खूब आनंद लें, सत्संग में गहन रुचि, स्वर वेद में गहन रुचि, तभी तो बुद्धि की जड़ता दूर होगी। वाणी में सत्य का संचार करता है स्वरवेद, स्वरवेद क्या करेगा? अरे साहब ये वाणी में सत्य का संचार करेगा, वाणी में सत्य का संचार स्वरवेद के द्वारा। वाणी कैसे शुद्ध होगी? अरे साहब आप स्वरवेद का पाठ नहीं करते, स्वाध्याय नहीं करेंगे, ये वाणी कैसे शुद्ध होगी? आप सदगुरु की इन वाणियों का पाठ करिए, इसका श्रवण करिए, इंद्रियों की पवित्रता का साधन है,
आप भी इस आप्त वाणी से जुड़ते हैं। हिमालय की वाणी, ये शून्य शिखर की वाणी, ये समाधि की वाणी है, ये सदगुरु की वाणी है, आध्यात्मिक वाणी है, अनुभव में प्राप्त वाणी है। आप जब इन वाणियों का पाठ करेंगे, आपके भीतर वह शक्ति, वह प्रवाह, वह चेतना प्रकट होगी। सीधी सी बात, वाणी शुद्ध होगी, इंद्रियों की पवित्रता का साधन है, अंतःकरण की शुद्धि का साधन है, तार धार से जुड़ने का साधन है साहब। मन वचन कर्म से एक निष्ठ वही होगा जो सेवा सत्संग और साधना में दृढ़ बनेगा साहब। सेवा से दूर नहीं रहना, सत्संग का लाभ सदैव लेते रहना अत्यंत अनिवार्य है। साधना का अभ्यास भी अमित फल है साहब, इसका अमृत फल है, अविनाशी फल है इसका, ये स्वर वेद का फल है, ये अद्भुत फल है, ये यौगिक फल है, ये सदगुरु का प्रवाह है, ये चेतन प्रवाह है साहब, इसका अद्भुत जलवा है, ये अध्यात्म की महफिल है, ये आत्मा की पुकार है, ये आत्मा की तड़प है, ये स्वयं की ध्वनि है, ये आत्मा की ध्वनि है, ये परमात्मा का प्रकाश है साहब, ये ब्रह्म विद्या है, ये ब्रह्म को प्राप्त करने की विद्या है, ये ब्रह्म से जुड़ने की विद्या है, ये अविनाशी पदार्थों का अनुभव है, ये प्रकृति से परे की चलाव, ये इंद्रियों से परे पदार्थों का अनुभव है साहब, ये प्रेम है, ये आनंद है, ये स्वयं का अनुभव, ये स्वर वेद है साहब। जितना भी आप इसका लाभ लेंगे उतना आनंद मिलेगा, उतना रस मिलेगा, जितना आप इसकी गहराइयों में उतरेंगे, कल्याण के पथ पर उतना आगे बढ़ेंगे, तीव्रता के साथ बढ़ेंगे, जीवन के उस परम लक्ष्य की तरफ बढ़ेंगे। हम सदगुरु के स्वर वेद से जुड़ते हैं, सदगुरु के स्वर वेद से शक्ति प्राप्त करते हैं, स्वर वेद की दिव्य वाणियों का श्रवण कर लें। हसी हसी प्रियतम नामिले नयन बहेनी शिवास, हसी हसी प्रियतम नामिले नयन बहेनी शिवास, धनकत ज्वाला धनकत ज्वाला विरहा जरत मरत Thank you.
विहंगम योग, मनोनिग्रह से लेकर आत्मज्ञान एवं परमात्मा प्राप्ति तक की यात्रा है। अमर हिमालय योगी अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने अपनी 17 वर्षों की गहन साधना से इस सनातन ब्रह्म ज्ञान को धरती पर पुनर्स्थापित किया है। उनके स्वयं के प्रत्यक्ष अनुभवों पर आधारित महान आध्यात्मिक सदग्रंथ स्वरवेद विहंगम योग का संपूर्ण दर्शन प्रस्तुत करता है, जिसका प्रैक्टिकल आप भी अपने घर परिवार में रहते हुए कर सकते हैं। विहंगम योग में मात्र 10 मिनट के विधिवत साधन से ही अद्वितीय अनुभव होने लगते हैं। विश्व की अनेक वैज्ञानिक संस्थाओं के शोध विहंगम योग की साधना को एक अत्यंत प्रभावशाली ध्यान पद्धति के रूप में प्रतिष्ठित करते हैं। इसके अतिरिक्त विहंगम योग में सांसारिक मनोकामनाओं की पूर्ति हेतु वैदिक हवन यज्ञ का भी प्रावधान है। सन 1924 में स्थापित इस संस्थान में सदगुरु श्री स्वतंत्र देव जी महाराज एवं संत प्रवर श्री विज्ञान देव जी महाराज के मार्ग निर्देशन में आज 35 देशों में विभिन्न भेष भाषा जाति धर्म के लाखों लोग अपने आध्यात्मिक जीवन का निर्माण कर रहे हैं। यदि आप भी ब्रह्म विद्या विहंगम योग के अनूठे ज्ञान से जुड़ना चाहते हैं तो संपर्क करें। महर्षि सदाफल देव आश्रम, छतनाग रोड, झूसी, प्रयाग, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश 211019।